हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ सामान्य शब्द देखेंगे, जैसे बाथरूम होते हैं, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसकी हम संस्कृत देखेंगे। तो जो बाथरूम होता है उसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है स्नाना गारम, स्नाना गारम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टोर रूम। तो जो स्टोर रूम है उसे कहा जाता है भंडार रखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भंडार गारम, यानी कि भंडार गृह। नेक्स्ट जो शब्द है वो है महल। तो महल को कहा जाता है प्रसाद। अब आपको लग रहा होगा ये खाने वाला प्रसाद, वो नहीं, इसे संस्कृत में प्रसाद ही कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम को संस्कृत में कहा जाता है उपवेश गृहम, उपवेश ग्रहम। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ एक वर्ड है मेयर। मेयर, म्यूनिसिपल चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो यहाँ मेयर, जो मेयर शब्द का अर्थ होता है वो होता है निगम अध्यक्ष। ये निगम के अध्यक्ष होते हैं एक क्षेत्र के, तो इसी का अर्थ होता है निगम। निगम अध्यक्ष। नेक्स्ट जाते हैं म्यूनिसिपल चेयरमैन। तो जो म्यूनिसिपल चेयरमैन होते हैं उनको कहा जाता है नगर के अध्यक्ष होते, इसलिए नगर अध्यक्ष। नेक्स्ट जो शब्द वो है म्यूनिसिपैलिटी। तो जो म्यूनिसिपैलिटी उसे कहते हैं नगर पालिका। इसे हिंदी में भी नगर पालिका कहा जाता है और संस्कृत में भी नगर पालिका। नेक्स्ट है खिड़की। तो खिड़कियों को कहा जाता है गवाक्ष, गवाक्ष। नेक्स्ट है पार्क। तो पार्क को संस्कृत भाषा में कहा जाता है पुरोध्यानम, पुरोध्यानम। यदि आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है पुरोध्यानम, तो आप केवल उद्यानम भी लिख सकते हैं, उद्यानम। नेक्स्ट जाते हैं बाजार। तो बाजार को कहा जाता है विपीण, विपणी, या आपणा भी कह दिया जाता है कई बार, आपणा। तो ये संस्कृत के कुछ प्रमुख शब्द थे जो आमतौर पर यूज में आते हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।